आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर देने का मौका दिया। आप प्रश्न पूछने का, उत्तर लेने का, सुन तो लो पूरी बात। चलो लेना देना बराबर करो, आगे चलो। तो इसमें माननीय माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैंने पूछा कि भाई डॉक्टरों की कमी है तो कैसे विशेषज्ञ डॉक्टर रखे जाएंगे, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8431 पद स्वीकृत हैं और 4426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश में स्वीकृत हैं अलग से। इसमें एक आंसर तो इनका पहले आया था, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उमा शंकर सिंह जी ने, उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19011 विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात की, अब आया है 8031, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारे साथी विधायक जी ने बोला कि भाई डॉक्टरों की कमी है या नहीं, पहले सबसे पहले तो यही सवाल बनता है। सबसे पहले सबसे गंभीर जो परेशानी दिक्कत में व्यक्ति होता है सीएससी पीएससी पर पहुंचता बने, और सीएससी पीएससी पर हाल ऐसा है, ना वहां हड्डी का डॉक्टर है, ना वहां गायनी है, ना वहां रेडियोलॉजिस्ट तो पूरी की पूरी जगहों पे ही कहीं नहीं है, वहां मैं नहीं, ना वहां पे सर्जन है, ना वहां पे अन्य कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम माननीय मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज और सीएससी पीएससी सहित जिला जो अस्पताल हैं उनमें आपके टोटल पद कितने स्वीकृत हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष पिछले सालों में आपने कितनी भर्तियां की हैं और कितने पद आपके सृजित किए गए। मैं एक और सवाल करूंगा, दो सवाल पूछूंगा, उसके बाद में अनुपूरक भी की बात रखेंगे कि सरकार ने पिछले 23-24 में 400 पद निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, एक बार विज्ञापन निकला, दूसरी बार 500 से ज्यादा डॉक्टर्स का निकला, इसमें कितने डॉक्टर्स विशेषज्ञ आप लोगों ने भर्ती किए या कितना का चयन आप लोगों ने किया, ये माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरे नंबर पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, एक आपका चयन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग प्रयागराज है, एक तो उससे चयनित करते हैं आप, उनकी तनख्वाह रखते हैं 60 से 70 हजार, NHRM जो है उससे आप लेते हैं, उससे आपने यहीं पर सदन में खड़े होकर कहा कि हम 5 लाख तक देना चाहते हैं। एक खबर छपी कि भर्ती 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, आपका डॉक्टर एक भी नहीं आया। ये मुझे आप बता दें, जब 7.5 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, और आप ये रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आए नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम ऐसे कह रहे हैं, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ के बता रहा हूं, मेरठ मान्यवर, आप एक एक जिले का नहीं बताओ, प्रश्न बताओ। हाँ, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ मान्यवर, मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ मेरठ में रेफर सेंटर है, मेरठ मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं मान्यवर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है। और यहां तक की इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, और मिलने के बाद में मैंने अपने सीएससी फलावदा का जिक्र किया कि सीएससी को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करोगे मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया। प्रश्न पे आइए सीधा प्लीज, मैं पूछना चाहता हूँ साफ स्पष्ट, जो आपने प्रश्न निकाला, मैं स्पष्ट सीधा प्रश्न करिए, सवाल पूछ रहा हूँ सीधा, आप स्पष्ट बता दीजिए कि आपने पिछले सालों में जब से आप मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग के कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की। दूसरा, आप जिस तरह NHRM के माध्यम से 5 लाख की तनख्वाह पर डॉक्टर रखने की बात कर रहे हैं, क्या आप उन डॉक्टर जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं, नौकरियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्या उनको भी वही तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे? बैठिए माननीय मंत्री जी। मेरा एक सुझाव है, माननीय सदस्य लोग जो बिच्छी काटने का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप काटने के इलाज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए घूम रहे हैं, इनको पता नहीं जो पीएससी पर चिकित्सक काम करता है, MBBS होता है,
उसको लोक सेवा आयोग से 1 लाख रुपया है, और जो विशेषज्ञ है उनको 5 लाख रुपया रिवर्स बीडिंग से अंदर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब, और कुछ कुछ ट्रेनिंग करो। उसके बाद अध्यक्ष जी इनको पता होना चाहिए दोनों चिकित्सकों में अंतर होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा हमसे है कि अभी तक हमने कितने चिकित्सकों को नियुक्त किया, कितने कार्यरत, हम पूरा बता रहे, पूरी सूची आपके सामने रखते रहे। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हमारे पास कुल नियमित पदों की संख्या हमारे पास 19,656 है। प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक है वो 11,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है, जो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं, ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इंटरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्त किया है वैसे 404 चिकित्सक है। एनएचएम के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की कुल संख्या 2,299 है। देखिए प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 8,431 है। जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल पदों की संख्या 4,426 है। जिला चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 2,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से 226 है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 187 है। एनएचएम के माध्यम से 383 है। इस प्रकार कुल विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास 2,919 है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता से जो जनपद के जनपद स्तर पर जो मानक है, हर हमारे पास जो प्रसूत रोग सहायक अध्यक्ष जी 1,167 है, निश्चेतक हमारे पास 1,428 है, बाल रोग चिकित्सक हमारे पास 1,529 है, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 150 है, पैथोलॉजिस्ट 175 है, जर्नल सर्जन 1,427 है, जर्नल फिजिशियन 1,387 है, नेत्र रोग विशेषज्ञ 175 है, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों में 244 है, कान नाक गला विशेषज्ञ 175 है, त्वचा रोग विशेषज्ञ जिला स्तरीय अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी है तो 145 है, मनोरोग विशेषज्ञ भी, ये बताइए अब आपको क्या दिक्कत है, 129 है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट 75 है, फोरेंसिक जो पोस्टमार्टम के लिए है 150 है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट 75 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, नहीं यही जवाब है, इसमें देखिए माननीय उपमुख्यमंत्री जी और एक सेकंड बैठिए, मेरा निवेदन है एक मिनट माननीय अतुल प्रधान जी, जो आपने पूछा वही उन्होंने बताया, एक सेकंड मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूँ। आपका प्रश्न ये है कि डॉक्टर जिला मुख्यालय की स्थिति में कितने डॉक्टर हैं और कितने, आपने जो पूछा है वही है, बता रहे हैं आपने यही पूछा प्रश्न में कि कितने, नहीं अनुपूरक, ये जो डॉक्टर अनुपूरक में भी आपने यही पूछा है कि कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर्स नहीं हैं, आपने यही पूछा है, वो बता दिया ना उन्होंने, आपने कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टर, अभी उसकी सूचना तो नहीं होगी, सूचना तो बता है, बता रहे हैं जो आपने पूछा वो बता रहे हैं ना, विज्ञापन निकाला उनमें से कितने, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सूचना बता, मैं बता दूं सर 12 हैं, 12 कुल, अरे वो आपने बता, बता दो, बता रहे हैं ओम प्रकाश जी आपका हाथ खड़ा कर रहा हूं, आपसे डॉक्टरी का क्या मतलब, भर्ती के स्रोतों के बारे में अतुल जी ने पूछा था, माननीय दुर्गा जी को सब मालूम है, भर्ती के स्रोतों के बारे में पूछा है, मैं बता रहा हूं अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली उनका सर्वविदित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। मैं अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को, अरे भाई सुन तो लीजिए अध्यक्ष जी, सुनना नहीं चाहते, अरे सुनो तो, सुनना नहीं चाहते बताएंगे कैसे, अरे वही बता रहे, सुन तो लीजिए, बैठो बैठो बैठो, तो प्रधान सुन तो लीजिए, अरे बैठो गुस्सा नहीं,
अरे उससे जब बीपी बढ़ेगा एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, बैठो। अरे बैठो अध्यक्ष, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो तो, एक चिकित्सक बनने में, एक चिकित्सक बनने में MBBS को 5.5 साल और MD MS को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। और अरे वो सही कह रहे हैं, डॉक्टर 8 साल बनेगा तब भर्ती होगा, बनेगा तो भर्ती कहां से कर देंगे। अरे आज जो रेप इंजीनियर है, 8 साल से 3 साल में थोड़ी डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर तो अपना टाइम लेगा बनने के लिए, पूरी पढ़ाई करेगा। अध्यापन निकाला, विशेषज्ञ डॉक्टरों के कितने विज्ञापन निकाले जब से आप मंत्री हैं, और चुनौती के लिए विज्ञापन निकला। अरे वही बता रहे, बस इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए, सुनो, रिवर्स बीडिंग पहली बार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में शुरू हुई। उसमें ये सारा जवाब आ गया, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से हमने भर्ती किया। अरे जब उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है कि जितने मर्जी डॉक्टर आए, तो उसमें सीधी भर्ती हो रही है। अब देखिए मेरी बात, N2 लेवल पर जवाब आया, भर्ती कर रहे हैं हम लोग। और उम्र सीमा 62 से 65 पहली बार हम लोगों ने की है, केवल इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि नए मेडिकल कॉलेज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़े। नहीं देखिए, मैं आपकी तरफ देख के बता रहा हूं, सिर्फ मेरा आपकी तरफ निगाह है। जिस समय माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने एकदम ओपन कर दिया कि जो भी डॉक्टर्स आते हैं, हम रिवर्स बीडिंग, मेरी सुन लीजिए आपने, देख बिना सुने हुए, रिवर्स बीडिंग के आधार के ऊपर भी जितने भी डॉक्टर्स आए, हमारे पास जितनी वैकेंसीज हैं उसके ऊपर भी जो आएंगे डॉक्टर, तो तभी भर्ती होंगे ना। जैसे देश में उन्होंने बताया कि पूरा डॉक्टर पढ़ने में, जिस समय क्वालिफाई करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन होने में या DM बनने में टाइम लगता है, तो जो डॉक्टर्स आएंगे उनकी भर्ती के लिए ओपन है। जितने भी डॉक्टर्स उपलब्ध है सारे लिए जा रहे हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं लगाई जा रही, किसी डॉक्टर को मना किया जा रहा हो। इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स लिए जाएंगे उन सबको भर्ती किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, श्री राम सिंह पटेल, नहीं वो नहीं, उससे ज्यादा टाइम नहीं है ना, राम सिंह पटेल है नहीं है। प्रश्न संख्या 4, नो आपका आ गया, थैंक यू। प्रश्न संख्या 7, श्री अनिल प्रधान, अनिल उसको बिठा दो बगल वाले को, धन्यवाद। ये जो देखिए अनिल जी, आप भी सुन लीजिए और बाकी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दवा के लेने के लिए जाना है। जो भी है, जो आप प्रश्न करेंगे माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, उसके बाद एक बार आपको अनुपूरक करने का अवसर मिलेगा। अपना स्पेसिफिक प्रश्न के ऊपर रहिएगा और आप इस, अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो नेता प्रतिपक्ष अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष का हमेशा अधिकार है, वो पूछेंगे। श्री अनिल प्रधान को अवसर मिलेगा, श्री ओमवेश जी को और डॉक्टर संग्राम सिंह जी को एक एक प्रश्न करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार। हम सभी आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का मौका मिला है, मैं जिस जनपद से बिलोंग करता हूं, मैं माननीय मंत्री जी की बातें भी सुन रहा था। जनपद चित्रकूट, जहां से कि जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, मेरा चित्रकूट जिला आकांक्षी जिला है और उत्तर प्रदेश के 8 जिले आकांक्षी जिले के श्रेणी में हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी CM साहब भी बैठे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि उस पिछड़े जिले में हमारे जिला अस्पताल, जो संयुक्त जिला अस्पताल, उसकी हालत कितनी खराब है। इतनी स्थिति दयनीय है कि सर 3 महीने से वहाँ पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, ट्यूबवेलों के, पेयजल के टैंकरों के माध्यम से पानी दिलाया जा रहा है। आपने डायलिसिस वार्ड की बात की, अभी पानी की कमी के कारण, हाँ सवाल पे ही आ रहे हैं, सवाल पे ही आ रहे हैं। अरे तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सुनने की भी आदत है। माननीय सदस्य अपना सवाल रखें, तेज बोलने से झूठ सच हो जाएगा। अनिल जी आप कर रहे हैं सवाल, जो सदन में 2.5 साल में माननीय मंत्री जी ने एक झूठ का पुलिंदा पूरे उत्तर प्रदेश की मेडिकल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिया है, उस पर हम सवाल करना चाहते हो, आपसे पूछना चाहते हो कि आज सवाल ही कर रहे हैं, सुनने नहीं दे रहे। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे चित्तूर जो आकांक्षी जिला है, वो केवल देखने के लिए आकांक्षी जिला की कोई, हमारे जिले को कोई सुविधा भी मिलेगी? आपने वहाँ 200 बेड का अस्पताल बना है, संयुक्त जिला अस्पताल है ना, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है,
प्रसव और हड्डी के ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे साल में सैकड़ों मौतें हमारी बहनों की प्रसव के दौरान होती है। मेरे जो क्वेश्चन है आपके आपसे कि जो हमारा कांची जिला क्या हमारे जिले में जो डॉक्टरों की कमी है, मैं आपसे एक बार मिला भी था अनुरोध। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, मनी मंत्री विषय पर आ रहा हूँ सर, जनता से ही जुड़ा विषय है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा सीधा सवाल। कांची जिला हमारा क्या जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर करने का काम आप करेंगे, पहला। दूसरा, जो पूरे प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पूरे प्रदेश में कैंसर बढ़ रहे हैं। अभी आप जब PGI जाओगे, कई अन्य हॉस्पिटल जाओगे, तो पहले जांच में नंबर लगेगा, फिर जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें महीना डेढ़ महीना का समय लगेगा कीमो में। क्या उसके लिए कोई आप स्थायी प्रक्रिया करके कैंसर के मरीजों को लाभ देने का काम करेंगे? और मेरा एक जो सवाल है कि 108 और 102 में आप कह रहे हैं बहुत अच्छा टाइमिंग है, बहुत जल्दी एम्बुलेंस पहुंच रही है, अपने सवाल सीधे पूछे हैं। और मेरा कहना कि जो आशा बहुएं हैं सर, अंतिम मेरी आपसे सवाल अंतिम कि जो आशा कार्य करती है, क्या उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करती है? ठीक है, माननीय उपमुख्यमंत्री जी। महोदय, अगर आप पूर्ण सवाल देखे हुए हैं तो इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे उस SC पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में पूछा है, और जो अनुपूरक पूछा है वो इससे कोई संबंध नहीं रखता है। अगर लिख के मुझसे पूछेंगे तो मैं इनको सूचना दिलवा दूंगा। ठीक है, माननीय सदस्य आपके पास, माननीय मंत्री जी इनकी जो सूचनाएं हैं उनको इनके पास पहुंचवा दीजिएगा। स्वामी उमेश जी, देखिए आपने अपने संबंधित प्रश्न से हटकर जो जानकारी चाहिए वो आप तक पहुंच जाएगी। चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में ही सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिन पर जो उपकरण, चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर जो आकांक्षी जिले हैं, कमजोर जिले हैं, उन पर पूरी चिकित्सीय व्यवस्था कराने का काम आप करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षता महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताऊंगा, प्रदेश के 958 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगभग 128 प्रकार के उपकरण जो है स्वीकृत किया जा चुके हैं और लग भी रहे हैं।